बेटे ने क्या फैसला लिया। रितेश एक 5-स्टार होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करने के लिए पहुंचा था। लंच करने के बाद वह खुशी से गुनगुनाते हुए अपने किराए के फ्लैट की तरफ बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी पत्नी अनुराधा का फोन आ गया। उसकी पत्नी चेन्नई में रहकर जॉब करती थी। पहले तो सभी लोग एक साथ दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन बीच में अनुराधा को प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिला तो वह चेन्नई चली गई। लेकिन रितेश अपने बेटे रोहन की पढ़ाई का बहाना बनाकर यहीं पर रह गया, क्योंकि वैसे भी उसे घर गृहस्थी के झमेले में पड़ना अच्छा नहीं लगता था और पत्नी की कमी तो वह किसी से भी पूरी कर सकता था। यहाँ वह बेटे का ध्यान रखने की बात कहकर रुक गया और पत्नी के भेजे गए रुपयों पर ऐश करने लगा। रितेश शुरुआत से ही घर की जिम्मेदारियां उठाने से पीछे ही रहा, इसलिए मजबूरन उसकी पत्नी अनुराधा को जॉब करनी पड़ी। रितेश कभी कहीं जॉब करता था तो बीच में काम छोड़कर बैठ जाता था, और जब से अनुराधा यहाँ से चली गई थी तब से तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, अलग अलग लड़कियों को घुमाता रहता था। वो खूब मजे कर रहा था जिंदगी में। अपनी पत्नी से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उसने फोन रख दिया और अपने फ्लैट के पास पहुंचा। चाबी से उसने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही कामिनी को देखकर वह दंग रह गया। कामिनी भी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वह उसकी कुछ ज्यादा ही चहेती थी, इसलिए वह उसे अक्सर अपने घर पर भी लेकर आ जाया करता था। कामिनी को अपने फ्लैट के अंदर देखकर वह गुस्से से चीख पड़ा, क्योंकि कामिनी अलमारी को उलट पुलट करके कुछ ढूंढ रही थी। रितेश ने कहा, तुम यहाँ इस तरह चोरों की तरह मेरे घर में क्या कर रही हो और मेरे फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई। कामिनी सकपका गई और कहने लगी कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी। रितेश गुस्से में फुफकारता हुआ बोला, सरप्राइज देने आई थी या सदमा देने आई थी? मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में आकर मेरी अलमारी से तुम क्या चुरा रही थी? अभी कामिनी कुछ जवाब देती इससे पहले ही रोहन भी कॉलेज से आ गया और पिता के कमरे से आती आवाजों को सुनकर वह कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजे से ही उसने बेडरूम का हाल देख लिया। बेडरूम में बिस्तर के इर्द गिर्द बिखरे हुए कपड़े और उस अनजान औरत को कमरे में देखकर रोहन सन्न रह गया। फिर वो चीखते हुए बोला, पापा ये सब क्या हो रहा है? फिर बेटे को देखते ही रितेश घबरा गया और कहने लगा, कुछ नहीं बेटा, वो ये औरत घर में चोरी करने आई थी, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कामिनी गुस्से में उफनते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो रितेश, जब मेरे साथ गुलचर्रे उड़ा रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई और आज बेटे के सामने मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। यह सुनकर रितेश शर्म से पानी पानी हो गया। कामिनी कहने लगी, पता नहीं तुम कहां से टपक गए, वरना मैं सारी तिजोरी खाली करके चुपचाप यहां से चली जाती। बाहर में जाओ तुम, अब दोबारा जिंदगी में कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इतना कहकर कामिनी अपना पर्स उठाकर वहां से पैर पटकते हुए चली गई और रोहन स्तब्ध सा रह गया था। उसने गुस्से में कहा, पापा मुझे अच्छे से पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस औरत के साथ मैंने आपको एक दिन रेस्टोरेंट में भी देखा था, तब मैंने सोचा था कि आपकी कोई दोस्त होगी, लेकिन आज आपने जिस तरह इससे अनजान बनने की कोशिश की, मैं समझ गया हूँ कि इस औरत की बातों में सच्चाई होगी। मैं मम्मा को सब कुछ बता दूंगा। आप इतने सालों से मम्मा के पास ना जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आपकी इन्हीं हरकतों के कारण माँ भी आपसे दूर हो गई है। यह सुनकर रितेश गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि नहीं, अपनी माँ को कुछ मत बताना, वरना वह मुझे छोड़ देगी। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा काम भी ठीक से नहीं चलता है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के खर्चे से लेकर घर का खर्चा वही संभाल रही है। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। रोहन का मन तो नहीं मान रहा था, वो बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि माँ से इतनी बड़ी बात छुपाना सही होगा या नहीं। लेकिन पिता को गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूँ, लेकिन आपको अपनी हरकतों में सुधार करना होगा और जल्द से जल्द हम मम्मा के पास चले जाएंगे। रितेश उसकी पढ़ाई का बहाना बनाते हुए बोला, बेटा तुम कॉलेज के आखिरी साल में हो, तुम एग्जाम दे दो, फिर हम पक्का तुम्हारी मम्मा के पास चले जाएंगे। रितेश ने राहत की सांस ली कि अब यह सब बातें उसकी पत्नी अनुराधा तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि दिलफेक और कामचोर रितेश का खर्चा आखिर अनुराधा ही तो दूर बैठी संभाल रही थी। इधर अनुराधा पति और बेटे के बिना बहुत अकेलापन महसूस करती थी। बीच बीच में मिलना जुलना तो हो जाता था, लेकिन अनुराधा का सोचना था कि जब रितेश कोई पक्का काम करता नहीं है तो ऐसे में उसे बेटे के साथ चेन्नई आ जाना चाहिए।
पहले तो रितेश रोहन की पढ़ाई का बहाना बनाता था, लेकिन अब रोहन की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी और अनुराधा को लग रहा था कि अब कुछ ही दिनों में उसका पूरा परिवार फिर से एक साथ रहने वाला है। लेकिन रितेश अपनी हरकतों से बाज आने वाला कहाँ था। वह अब भी अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता रहता था, लेकिन अब वह उन्हें घर नहीं लाता था, अब वह उन्हें लेकर होटल रूम में लेकर चला जाता था। मगर रोहन अब कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसे केवल बातों से बहला लिया जाए। उसने अपने पिता पर कड़ी नजर रखी हुई थी और एक दिन उसने अपने पिता को होटल रूम से एक लड़की के साथ निकलते देख लिया। इस बार उसने अपने पिता को कुछ नहीं कहा और सीधे अपनी मम्मी अनुराधा को कॉल करके सब कुछ बता दिया। अनुराधा को तो रितेश के चरित्र के बारे में कुछ कुछ अंदाजा पहले से ही था, लेकिन जब उसने बेटे के मुंह से यह सुना कि एक बार पकड़े जाने के बाद भी वह दोबारा ऐसी हरकतें करता है, तब वह समझ गई कि वह सुधरने वाला नहीं है। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, देखो रोहन, मैं इतने सालों तक अकेले रहने के कारण भावनात्मक रूप से मजबूत हो चुकी हूँ। मैं यहाँ मेहनत करके कमाती हूँ और मेरे रुपए पर तुम्हारे पापा अय्याशी करते हैं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब से मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूंगी। तुम एग्जाम के बाद मेरे पास चले आओ, हम तुम्हारे पिता से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, यही उनकी सजा होगी। रोहन कहने लगा, मम्मा आप उन्हें तलाक दे देना। अनुराधा ने कहा कि नहीं, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी, नहीं तो वह मुझसे पीछा छुड़ाकर किसी और से शादी कर लेगा और किसी और के रुपए पर पलने लगेगा। मैं भी देखती हूँ कि क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आती है जो उसके खर्चे उठाए। मैं देखना चाहती हूँ कि बिना रुपयों के कितनी लड़कियाँ उसके आगे पीछे घूमती हैं। रोहन को माँ की बात समझ में आ गई थी। पढ़ाई पूरी होते ही रोहन अपनी माँ के पास चला गया और वहीं रहकर जॉब करने लगा। अनुराधा ने अपने पति से साफ साफ कह दिया था कि उसकी गलत हरकतों से तंग आकर वह उसे छोड़ रही है, लेकिन वह उसे कभी तलाक नहीं देगी। अपनी पत्नी के इस फैसले से रितेश बौखला गया था। वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे माफी मांगी, दोबारा ऐसी गलत हरकत ना करने की कसम भी खाई और साथ ही यह भी कहा कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन अनुराधा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। रोहन भी पिता का असली रूप देख ही चुका था, माँ बेटे दोनों उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। आखिरकार थक हार कर रितेश वापस चला आया। उसका तलाक नहीं हुआ था, इसलिए वह दूसरी शादी भी नहीं कर पाया। उसके रिश्तेदारों ने तो पहले ही उससे दूरी बना ली थी। इस तरह से रितेश बिल्कुल अकेला हो गया। अब उसे मन मार कर कोई काम ढूंढना था, लेकिन इतने लंबे समय तक काम न कर पाने की वजह से कहीं उसे काम भी नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार थक हार कर वह एक राशन दुकान पर काम करने लगा। किसी तरह गुजारा हो जाता था, लेकिन ज्यादा पैसे ना होने की वजह से उसके आसपास लड़कियों ने फटकना भी बंद कर दिया था। इस तरह से रितेश अपनी आशिक मिजाजी के कारण आज गरीबी और अकेलेपन में जिंदगी जीने को मजबूर था। जिस वक्त उसे अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर अपनी पत्नी और बेटे से मधुर संबंध बनाने चाहिए थे, उस समय वह बाहरी चकाचौंध में मशगूल था, जिसके कारण आज उसकी जिंदगी में रिश्तों के नाम पर कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, आपको अनुराधा का फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।